दिसंबर 1992 को टोंक की मालपुरा में सांप्रदायिक हिंसा का मामला। सांप्रदायिक दंगों मामलों की विशेष अदालत में जज श्वेता गुप्ता ने फैसला सुनाया। मामले के सभी 11 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। अदालत ने आदेश में कहा, अभियोजन पक्ष आरोपी को साबित करने में रहा पूर्ण असफल। गया था और उनके बयान भी घटना के कई एक महीने बाद, एक महीने पंद्रह, एक महीने के दस के ऊपर 10 दिन और 40 दिन के बाद उनके बयान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेखबद्ध किए गए। नक्शा मौका बनाया, नक्शा मौका अभियोजन के साक्ष्य कहते हैं। पहले जो हम दो दो मुलजिमों के नाम बताए थे उनको गलत मान लो, जो बाद में चार चार छः छः के नाम बता रहे उनको सही मान लो, ये अनुसंधान अधिकारी खुद एडमिट करके गया। और किसी भी डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, किसी भी मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। इन लोगों को निर्दोष बिना युक्तियुक्त कारण के फंसाया गया था। भारत बंद का आह्वान से इस घटनाक्रम का कोई सरोकार नहीं था। भारत बंद एक सर्व समाज का आह्वान था। हिंदू समाज कतई आक्रोशित नहीं था, हिंदू समाज में कोई आक्रोश आवेश नहीं था, किसी प्रकार का गुस्सा में नहीं था। 6 दिसंबर की घटना के बाद हिंदू समाज एकदम शांति प्रिय रूप से अपना जीवन यापन कर रहा था। 6 दिसंबर 2 दिसंबर को जो घटना हुई है उससे भारत बंद या किसी अन्य घटनाओं से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, फैसला आ चुका है। अदालत ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा। एक भी साक्ष्य ऐसे पेश नहीं हुए जिसमें यह साबित हो कि हमला इन सभी ने किया है। आरोपियों से किसी भी प्रकार की नहीं हुई कोई भी बरामदगी। मामले में आरोपी रामस्वरूप सीताराम, रामबाबू शर्मा घनश्याम, इसके अलावा नोरतमल, राजेंद्र प्रसाद, रामबाबू तेली, रमेश चंद्र, ओम प्रकाश रामबाबू और सत्यनारायण धानका को कोर्ट ने बरी किया है। राज्य सरकार और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने पर कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 25 गवाहों के बयान भी दर्ज करवाए गए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मालपुरा में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों के बाद आज 11 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सांप्रदायिक दंगे में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, ये जानकारी सामने निकल कर आई है। इस प्रकरण की शुरू से पैरवी मैं और अश्विनी कुमार जी तो कर ही रहे थे। हमारे साथ में हमारे सीनियर्स मोहनलाल जी भाई साहब और वली साहब भी थे, और जो मेहनत अश्विनी जी ने की और मैंने की उसका आज नतीजा हमारे सामने है। भगवान ने हमारी बात सुनी और ये आदमी पूर्णतया निर्दोष थे। इनके खिलाफ षड्यंत्र रच के बाद में FIR दर्ज कराई गई। तो देखिए, मामले में 14 आरोपियों में से कैलाश माली और सुखदेव लुहार की पहले ही मौत हो चुकी है और आज 11 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा यह पूरा मामला है, 1992 का ये पूरा मामला, जिसके बाद ये बड़ा फैसला। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलकांत हमारे साथ बने हैं। कमलकांत, देखिए 1992 का ये पूरा मामला और उसके बाद 11 आरोपियों को कोर्ट ने आज बरी किया है, क्या है जानकारी, विस्तार से जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल इंदु, बताना चाहूंगा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का मामला हुआ था उसके बाद में 9 दिसंबर 1992 को मालपुरा में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें काफी सारे मारे गए थे और उनमें करीब 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 9 दिसंबर 1992 को रज्जाक की पत्नी शरीफन ने यह मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने CID CB में जांच कर और 14 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था, जिसमें एक नाबालिग आरोपी का मामला फिलहाल लंबित है। 2 आरोपी हैं जो ट्रायल के दौरान उनकी मौत हो चुकी है और बचे 11 आरोपी, उनमें से आरोपी रामस्वरूप सीताराम, रामबाबू शर्मा घनश्याम, नौरतमल, राजेंद्र प्रसाद, रामबाबू तेली, रमेश चंद, ओम प्रकाश, एक रामबाबू और सत्यनारायण धानका, ये कुल 11 आरोपियों को कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। जो सांप्रदायिक दंगा कोर्ट की जो विशेष अदालत है उसने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है और उन आदेश में कहा कोर्ट ने कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को जो साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है और एक भी साक्ष्य ऐसी पेश नहीं की जिसमें ये साबित हुआ हो कि इन्हीं लोगों ने या इन्हीं आरोपियों ने हमला किया हो। जी बिल्कुल, फैसला यहाँ पर हो चुका है और बहुत शुक्रिया कमलकांत।